नैना नैना हंसु उठर दया न कहूँ उठाओ देखाए आल्हा चली भय उदल चली भय जैसे राम लखन चली जाए। एक दिन आल्हा उदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े दिए जिनका नाम था पक्षीराज, मृगराज, राज सुजान, पवन वेग और मन वेग। ये घोड़े इतनी तीव्रता से भागते थे कि लोगों को लगता था कि ये घोड़े हवा में उड़ रहे हैं। आल्हा उदल इन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करने लगे और माहिल को एक तरकीब सूझ गई। वे सीधे रनिवास में जाकर अपनी बहन मलहना से मिले और मलहना के कान भरने लगे। बहना, प्यारी बहना, सुनाई दे रहा है कि आल्हा उदल ने घोड़े खरीदे हैं, बेशकीमती घोड़े। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूँ कि अचानक ऐसे घोड़े खरीदने की क्या दरकार। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसमें काला क्या है भैया, युद्ध के लिए तो घोड़े हमेशा खरीदे जाते हैं। कितनी भोली है मेरी बहना, ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए तो फिर किस लिए? अब बहना मेरे मुंह से झूठ ना निकले, लेकिन जहां तक मेरे गुप्तचरों ने बतलाया है कि आल्हा उदल के मन में खोट, ये दोनों महाराज और ब्रह्मा को मारकर गद्दी पर कब्जा करना चाहते हैं, तभी ये घोड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बहन, मन तो मेरा भी चाहता है कि ये बात झूठ हो, लेकिन कहीं अगर ये बात सच निकली तो फिर उस दिन हम क्या कर पाएंगे। इसीलिए उचित तो यही होगा कि तुम महाराज को इस बात से अभी अवगत कराओ। हाँ, आप उचित ही कह रहे हैं, मैं अभी जाके बात करती हूँ महाराज से। मलहना, आल्हा उदल को अपने सगे बच्चे से अधिक प्रेम करती थी, लेकिन इधर माहिल की बातों ने मलहना के मन को दूषित कर दिया था। आखिर वो एक पतिव्रता पत्नी थी और माँ भी थी। कहते हैं ना कि घुटने हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ते हैं और माँ ममता में अंधी हो जाती है। मलहना को महोबा के सिंहासन पर मंडराते खतरे अचानक नजर आने लगे और वे राजा परमाल के पास पहुंच गई। नहीं नहीं महारानी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ऐसा आप विचार भी कैसे कर सकती हैं? आल्हा उदल दोनों ही स्वामी भक्त हैं। वो कभी भी हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। यदि ऐसी ही बात है तो फिर आप आल्हा और उदल दोनों से वो घोड़े मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो आपको घोड़े नहीं देंगे, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। राजा परमाल ने आल्हा को बुलाने का फैसला किया। ये खबर मिलते ही आल्हा उदल राजा परमाल के पास पहुंच गए। राजा परमाल ने उनसे पूछा कि ये घोड़े कहां से मिले। उदल बोले, तब राजा से देव निधि ने रखने मान, और पांचों बछड़े अति विशिष्ट हैं, भर भर करके भरे उड़ान। पक्षीराज मृगराज घोड़ दो, एक घोड़ा रहे राज सुजान, और पवन वेग मन वेग भय दो, पांचों उड़े लगा के प्राण। ये सुनकर राजा परमाल ने कहा कि ये घोड़े तुम्हें हमें देने होंगे, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का महोबा में कोई स्थान नहीं। ये बात सुनकर पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। महाराज, बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं, जबकि ये घोड़े सेना के लिए नहीं खरीदे गए। हमें नहीं पता कि आपको अचानक क्या हो गया, लेकिन संदेह के इस वातावरण में हमारा दम घुटता है। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। राज दरबार से निकलकर आल्हा सीधे अपनी माँ देवलदे के पास पहुंच गए। माँ, जिन्हें हमने हमेशा पिता समान समझा, उन्हें ही आज हम पर विश्वास नहीं। जिस राज्य के लिए हमारे पिता और काका ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वही राज्य हमसे स्वामी भक्ति का प्रमाण मांग रहा है। अब हमारा यहाँ एक पल भी ठहरना मृत्यु समान है। पुत्र, जब समय संबंधों से ज्यादा प्रबल हो जाए, तब समय के बताए रास्ते पर ही चलना उचित होता है। न जाने किस ठोर पर जाकर रुकेगी हमारी जीवन की नाव, लेकिन संबंधों को एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए।
एक बार और अंतिम बार पुत्र, तुम महाराज से जाके मिल लो। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और फिर वे तुम्हें स्वीकार भी कर ले। माता देवलदे से सलाह मशवरा करने के बाद जब आल्हा उदल राजमहल पहुंचे तो पूरा दरबार भरा हुआ था। आल्हा उदल ने राजा को माता की कही हुई बातें दोहराई। बातों को सुनकर राजा परमाल आल्हा उदल से बोले, यदि तुम राज्य में खाओगे तो गोमांस खाओगे, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त पियोगे, यदि स्त्री के साथ सोते हो तो बहन के साथ सोगे। राजा परमाल के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद आल्हा क्रोधित हो उठा और तुरंत वहां से निकल गया। उदल ने अपनी पगड़ी और गहने उतार कर फेंक दिए। क्रोधित आला उठकर चलवा पूरक तुरंत की पहुंचो जाए और उदल बोलो तब राजा से पगड़ी गहना तरी तुम्हार। भादो की आधी रात थी, घनघोर वर्षा हो रही थी। आल्हा उदल अपनी माँ देवलदे को लेकर महोबा नगरी को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। पूरे महोबा नगर वासियों के लिए ये एक बहुत ही दुखदायी और कटु दृश्य था। इस घटना को गाते हुए आज भी उत्तर और मध्य भारत के अलहैत रो पड़ते हैं। नैना नैना हंसू ढारे दया न कहूं उठाओ देखाए, आल्हा चली भय उदल चली भय जैसे राम लखन चली जाए। सावन चिरिया नागर छोड़े ना बने जर बने जे जाए, और टप टप बूंदे पड़े कपड़न पर दया न काहू ठाव दिखाए। आला चली भय उदल चली भय जैसे राम लखन चली जाए, राजा के डर को न बोले नैना ढबिक ढबिक रह जाए, नगर निवासी आंसू ढारे फिर से राम चले वन माए। आल्हा उदल की इस दुर्दशा की खबर कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंच गई। राजा जयचंद ने तुरंत आल्हा उदल के पास अपना एक दूत भेज दिया। प्रणाम महाबली आल्हा, कन्नौज के राजा जयचंद का मैं दूत हूँ, आप लोगों के लिए उनका संदेश सुनाइए। प्रिय आल्हा और उदल, सबसे पहले आपकी माता देवलदे को मेरा प्रणाम। मुझे ज्ञात है कि आप अपना राज्य त्याग चुके हैं, ऐसी अवस्था में मेरी मंशा यह है कि आप मेरे राज्य में आकर रुके और मेरे यहाँ अतिथि बनकर रहें जब तक आपका मन करे, और इस अवधि में अगर कन्नौज और हम आप सबको रास आ जाए तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप दोनों महाबली मिलकर कन्नौज की सेना की बागडोर संभाल कर उसका मान बढ़ाएं। आल्हा उदल ने राजा जयचंद का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे कन्नौज की ओर चल पड़े। कन्नौज में राजा जयचंद ने आल्हा उदल का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें राजमहल में ही ठहराया। इधर माहिल बहुत खुश हुआ, लेकिन अब भी उसके मन की ईर्ष्या संतुष्ट नहीं हुई थी। उसके मन में अब भी षड्यंत्र चल रहा था।